वाओ, चौमिन मोटी मोटी यार, मुझे ऐसी चाहिए होती, मोटी मोटी चुई होती ना बहुत ज्यादा। एक घंटे का रास्ता। वहां से आए, वो घर दिख रहे, मेरा फोन ना गिर जाए। हाय गाइस, तो आज का जो ब्लॉग है ना, मैं हमेशा से चलते चलते ब्लॉग बना रही हूँ आजकल, और एक दिन मैंने गिरना है, मतलब एक आज ब्लॉग में मैं गिरते हुए दिखूंगी। तो बेसिकली आज ना हम जो मार्केट होता है ना उत्तराखंड का, तो कुछ आसपास के गांव होते हैं ना, उनका एक मार्केट होता है, तो आज हम उसी मार्केट जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं। आते समय बस में आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई, करीबन पौना घंटा तो होगा चढ़ाई का। तो अभी जाते समय तो ढलान है, तो अभी हम पैदल जा रहे हैं, ये हमारी दिमाग की टेक्निक है। तो दोनों जो रूट है वो भी आपको दिख जाएंगे, बस से कैसे आते हैं वो भी दिख जाएगा, उसका व्यू भी दिख जाएगा, अभी पैदल जाते समय का भी व्यू आपको दिख जाएगा। तो इसलिए दोनों चीज़ें हम करेंगे। अभी हम निकल गए हैं, अभी 10:30 हो रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं होती, पर मार्केट होती है बहुत, मतलब यहाँ के हिसाब से काफ़ी है। पर हमें चिल्ली पोटैटो और चाउमीन खाने को मिल जाते हैं, बस ये है। पूजा का फेवरेट। अभी दीपू सुन लेगी ना ब्लॉग में, वो वीडियो कॉल कर करके खा जाएगी, मेरे को वीडियो कॉल कर करके बोलने में लगी आप वहाँ पे चिल्ली पोटैटो। मैं आपको ना एक बार बैक का व्यू दिखा देती हूँ सारा कैसा है। ये रहा व्यू, वहां से हम आए यही पास से, अभी तो उतरे ही है, अभी दो एक मिनट हुआ है हमें, बस हमें नीचे जाना सबसे नीचे। ये रहा रास्ता ऐसा, और ये रहा व्यू। यहाँ पे पूजा बाघ भी दिखा था ना उनको, चाचा को, अगर हमें दिख गया ना मैं बोलूंगी तो पूजा को खाना स्टार्ट कर, मैं भी आती हूँ। अरे यार, ज्योति की शादी ना हो, मेरे उसे थोड़ा इतना सुंदर बना दे, इतना सुंदर सुंदर चेहरे का नक्शा बिगाड़ दे। वहां जाना हमने शायद, वो घर दिख रहे हैं, जूम होगा वहाँ शायद। चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, देखते कितने मिनट का रास्ता है, मैंने टाइम नोट कर रखा है। उप गिरियो मत भाई, तो आज मैं चप्पल पहन के नहीं आई, वो वाली जो फिसलन वाली ना, मेरे को लगा कहीं बारिश हो गई। वैसे अभी तो बहुत गंदी धूप है यहाँ पे, धूप भी बहुत तेज लगती है, यहाँ ठंडी भी ज़्यादा लगती है, यहाँ धूप भी तेज लगती है। व्यू देखो, व्यू देखो, मैं व्यू देख के चक्कर में कहीं मेरा ही व्यू बन जाए। देखो कितना बड़ा रास्ता है। मम्मी, मेरे को तो सांप वगैरह का डर रहता है, वैसे धूप आ रही है, कहीं धूप सेकने ना जाए सांप, हमें सेक देगा। और अभी यहाँ से भी पौना घंटा होगा ना, हाँ, क्योंकि हमें बाय रोड भी जाना है अभी, मतलब पहले हमने घंटा, हाँ एक घंटे का रास्ता है पैदल भी, हाँ रोड रोड भी जाना है हमने, एक घंटे का रास्ता है। ये देखो लाइव लड़की गिरी। अब मैं आपसे मिलती हूँ इसे क्रॉस करने के बाद, बड़ा खतरनाक है ये तो, बड़ा गंदा रास्ता है। अब मैं आपके रास्ते में लूं, ये तो टूट रखा है, सीधा चलना भैया, धस ना जाए, सीधा चल चल ना चल, लाइव मौत आ जाएगी मेरी। ये देख ना टूट रखा है, अभी हमारा फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। ये 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 पूजा तो उड़ी मची है सच में। बिहार भी पूजा छोटी थी ना, तो आंधी आती थी ना, तो मैंने उसको छत में ना और से पकड़ लेती थी, मुझे लगता था कि उड़ जाएगी उड़ जाएगी। तो हम काफी नीचे उतर गए हैं, अब ज्यादा नहीं रह गया पर ज्यादा नहीं रह गया, यहाँ पे गाँव पड़ा है, हमें गाँव से क्रॉस करते हुए जाना है। ये रहा गाँव, छोटा गाँव है, ज्यादा बड़ा गाँव नहीं है, वैसे गांव ऐसे ही होते, इतने ही होते, हमारा ही थोड़ा सा बड़ा है, बाकी छोटे छोटे ही गांव है यहाँ पे ज्यादातर। ये रहे नीचे, अब कितना मिनट का रह गया, बस गांव के नीचे जाना, फिर रोड रोड, बस फिर रोड रोड भी चलना है अभी आधा घंटा। ज्योति को प्यास लग गई। बस थोड़ा ही रह गया, 5 मिनट का रास्ता, और हम वहां से आए, वो घर दिख रहे, वहां से आए, फाइनली आ गई रोड। ये रे 2-4 कदम और चलने, वो रही रोड, इस रोड रोड से जाना अब हमें। पानी की आवाज़ आ रही है आपको, नहीं आ रही होगी सर, अभी मैं नदी दिखाती हूँ आपको, वो देखो, वाओ, पूरे डुबकी मार ले ना, सुंदर है ना। चल वहाँ से दिखाऊंगी आपको, जहाँ से क्लियर दिख रहा होगा ना पुल के ऊपर से, वहाँ से दिखाऊंगी। आ गया पुल,
यहाँ से दिखेगा देखो साफ, मेरा फोन ना गिर जाए। पानी के पास ना जा नहीं सकते हम, जो उत्तराखंड के लोग हैं ना उन्हें पता होगा मैं क्यों बोल रही हूँ, हमें मना करा है ताई वालों ने। फाइनली गाइस पहुंच गए बैजरो। अच्छा अभी तक नहीं है ये रही ऐसी। अच्छा वो नानी के यही होगी, ठीक है मैं फोन करती हूँ अभी मम्मी, क्योंकि मैं तो गांव में हूँ ना। ये रही थोड़े कपड़ों की है और ये वो है पाइप वगैरह होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर, चिप्स वगैरह, फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, जनरल स्टोर टाइप का, ये भी सेम वही है। दुकान में जा रहे हैं हम नेगी ब्रदर्स की, वो रही हमारी फ्रेंड। हाँ ए बा ए चलो ये कौन सी टेबल है तुम्हारी? पेप्सी तो आ गई हमारी। ये अंदर से ऐसा रेस्टोरेंट, हमने चाउमीन और मोमोस मंगाए थे। अरे मोमोस चाउमीन, मोमोस बड़े अच्छे दिख रहे हैं, हल्के, मतलब उनकी स्किन बड़ी हल्की है। अरे चाउमीन है, पेप्सी है, बाकी सब भी वही खा रहे हैं। हाँ स्किन बहुत पतली है ना, मैदा खाना अच्छा बना है। वाह चाउमीन मोटी मोटी है, मुझे ऐसी चीज होती मोटी मोटी, चुई होती ना बहुत ज्यादा। तीनों प्लेट वेज ही करना फिर से, और तो होगा नहीं। तीन प्लेट मोमोस और मंगाए हमने, बहुत अच्छे हो रहे मोमोस। चाउमीन नॉट बैड, अच्छी है। मजा आ गया। सोयाबीन है, पत्ता गोभी है। पेट भर चुका हमारा, पर फिर भी ना चिली पटाटो खाने का मन है, तो इसलिए ले रहे हैं, थोड़ा ले लेंगे, बैठने की भी जगह है अंदर। तो यहाँ आ गया मैं चिली पटाटो, इसमें सब्जियां ज्यादा है ना, आलू सही है, थोड़े ज्यादा सौगी भी नहीं है। हाँ पर मतलब उतने सौगी भी नहीं है। तो ना अभी हम ना थोड़ा नदी के पास जा रहे हैं, जो नदी दिखाई दी ना क्या, तो हम यहाँ तक पहुँचे, बस इससे ज्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि जाना अच्छा भी नहीं है नीचे, और मना भी है हमें। अरे नीचे घुस गई, खानी वैसे ये डाल, ये दो डाल दो, अच्छा डाल दो, सारे डाल दो। और भैया आम है, किधर बैठे दो, सही हो रहा है। बस चलने लगी हमारी, चीन चीने का सिग्नेचर लुक है ये, बैठे हो सब कुछ, तुम भी करते ऐसे। पहुंच गए हम, वो रहा घूम गया, पता नहीं मेरा क्यों शरीर ऐसा बनाया भगवान जी ने, मैं ट्रेवल ही नहीं कर पाती हूँ। सब कितने अच्छे से आया, मेरा से सर घूम गया था ना डेढ़ घंटे के रास्ते में, मतलब ना जब मैं छोटी थी ना तो डॉक्टर ने कहा था ऐसी बड़ी होगी ना तो ठीक होता जाएगा, कम तो हुआ है। पहले ना मैं बस की स्मेल से ही मेरे को ऐसा हो जाता था, बाप रे। अब मैं ये है कि आधा ही घंटा ना मैं इजली ट्रेवल कर पाती हूँ, बट उसके बाद होने लग जाता है, पता नहीं मेरे को क्यों बनाया ऐसा। मेरे को घूमने का शौक है, मेरे ही ऐसे शरीर है।
जा रहे सब। बहुत ज्यादा थक गए और अभी बज रहे हैं 4:45 और अभी शायद थोड़ी देर बाद देखते हैं रेस्ट वेस्ट करके कहीं निकलते हैं। तो अभी के लिए तो थक गए हैं और आई होप आपको ये छोटा सा मार्केट ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और कमेंट मुझे जरूर बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं उत्तराखंड के ब्लॉग। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।